कोरोना डेल्टा और ओमिक्रॉन के बढ़ते कहर के बीच एक और चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। दुनिया भर में कोरोना के मामले हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। संक्रमण के आगे बढ़ रहे देश भी असहाय नजर आ रहे हैं। ऐसे में दुनिया में पहली बार कोरोना और फ्लू के वायरस एक साथ अटैक करने का मामला सामने आया है, जो कतई अच्छी खबर नहीं है। कोरोना और इन्फ्लुएंजा के इस डबल इन्फेक्शन को फ्लोरेना नाम दिया गया है। जांच में एक ऐसी मरीज के भीतर कोरोना इन्फ्लुएंजा दोनों के वायरस पाए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दुनिया का पहला फ्लोरेना केस इसराइल में सामने आया है। सीधे शब्दों में कहें तो आप यह जान लीजिए कि यह एक मरीज में कोरोना और फ्लू दोनों का मामला है। यह मामला एक गर्भवती महिला में पाया गया है, जो बच्चे को जन्म देने के लिए अस्पताल में भर्ती हुई थी। बताया जा रहा है कि जिस महिला में फ्लोरेना का केस मिला है, उसने कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई थी। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि फ्लोरेना कोरोना का कोई नया वेरिएंट नहीं है। यह एक ही समय में फ्लू और कोरोना से होने वाले डबल इन्फेक्शन है। डॉक्टरों ने बताया है कि बीते कुछ समय में इसराइल में फ्लू के मामलों में तेजी आई है, इसीलिए फ्लोरेना पर सख्ती की जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि फ्लोरेना इम्यूनिटी सिस्टम का एक बड़ा ब्रेकडाउन का संकेत हो सकता है। ऐसा इसलिए कि इसमें एक ही समय पे दो वायरस शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। डॉक्टरों की माने तो कोरोना और फ्लू मिलकर शरीर में एक साथ गंभीर जटिलताएं पैदा कर सकते हैं। वायरस के डबल अटैक के गंभीर बीमारियां का खतरा हो जाता है। इससे कई गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि फ्लोरेना होने वाले मरीजों को निमोनिया, सांस लेने में दिक्कत, हार्ट अटैक, दिल या मस्तिष्क में सूजन आदि जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। फ्लोरेना से स्थिति ज्यादा गंभीर होने पर मरीज की जान भी जा सकती है। वहीं WHO का कहना है कि एक ही समय में फ्लू और कोरोना दोनों बीमारियां होना संभव है। जिन वायरसों की वजह से कोरोना और फ्लू होते हैं, वो एक ही तरीके से फैलते हैं। यह दोनों वायरस 6 फीट के अंदर आने वाले लोगों में फैलते हैं। यह बात करने, छींकने या खांसने से निकलने वाली सांसों की बूंदें या एरोसोल से फैलते हैं। WHO ने बताया कि वायरस तब भी फैल सकता है जब कोई व्यक्ति इन दोनों में से किसी भी वायरस वाली सतह को छूता है और फिर अपने मुंह, नाक या आंखों को छूता है। फ्लोरेना की शुरुआती आम लक्षणों की खांसी, सर्दी, बुखार से होती है। WHO का कहना है कि फ्लोरेना से शारीरिक खतरों से बचने और रिस्क कम करने के लिए इन्फ्लुएंजा और कोरोना दोनों की वैक्सीन लगवाना अनिवार्य है। इसके अलावा WHO ने लोगों को फ्लोरेना से बचने के रोकथाम और उपायों का पालन करने की भी सलाह दी है। इन उपायों से लोगों को कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखना अनिवार्य है। अगर दूरी बनाना संभव ना हो तो अच्छी तरह से फिट होने वाले मास्क का प्रयोग करना चाहिए। भीड़ भाड़ वाली जगह और खराब वेंटिलेशन वाली जगह से बचना चाहिए। साथ ही अपने हाथों को लगातार साबुन आदि से धोते रहना चाहिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।